हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ एक कार का एनिमेशन लेकर, जिसमें हम कार को ट्रैवल तो नहीं करेंगे, बट उसके जो है डोर्स है वो ओपन करेंगे, और जो उसके जो बैक जो डिग्गी कहते हैं जिसे, वो ओपन करेंगे, उसका मिरर डाउन करेंगे, उसके जो टायर्स हैं उनको ऊपर नीचे करेंगे, मतलब उनका जो आगे का जो बोनट का शटर होता है वो हम ओपन करेंगे, ब्रेक का एक्सीलेटर वो हम प्रेस करेंगे। तो आज मतलब उसको रिग के साथ हमें करना है, वैसे तो वो हम नॉर्मल कर सकते, बट रिग करने के बाद हम उसको कैसे डोर्स को खोले, या फिर शीशे को डाउन करें, या फिर डिग्गी की खोले, मतलब उस मैश को हम कैसे एनिमेट करें, उस चीज़ को आज मैं बताने वाला हूँ अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अपनी जो कार है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे अपनी जो कार है उसको इंपोर्ट करके अपना जो भी मेरा फॉर्मेट है मैं उसको ले लेता हूँ। सिलेक्ट मैं यहाँ से करूँगा, और जहाँ मैंने डाउनलोड किया है उस वहाँ पे जाके मैं उस कार को जो है सिंपल इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये जो कार है ये यहाँ पर आ चुकी है, और अभी इसको हम देखेंगे मटेरियल प्रीव्यू में कि ये किस तरीके से इसका टेक्सचर है, इसकी ग्लास में कैसा टेक्सचर है, इसके जो प्रॉपर है, मतलब हर एक चीज़ सही से है, ये चीज़ हम देखेंगे। और तो ठीक है, तो ये गाड़ी जो है आ चुकी है, और इसके जो टेक्सचर्स हैं, ग्लास है, अंदर का सब कुछ ऐसा ही है इसका टेक्सचर, ठीक है। और अब जो है इस कार का जो हमारा शीशा है, ये देखिए ये किस तरीके से अलग है, और ये भी अलग है, ये डोर जो है ये भी अलग है, मतलब हर एक चीज़ अलग है। और जब हम ये देखिए, तो जब हम इसको रिग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट करना पड़ता है। तो फिर ज्वाइंट करने के बाद इसके डोर कैसे ओपन होंगे, तो ये चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कार को रिग कर लूँगा, और रिग करने की वीडियो तो आपने मेरी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं इस ट्यूटोरियल में भी आपको फटाफट करके बताने वाला हूँ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप कोई भी कार इंपोर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ना कार में ना एक ऐसे कुछ डोर्स दिखाई देते हैं, वो पेरेंट्स के होते हैं, तो आपको ए प्रेस करना और माउस में राइट क्लिक करके पेरेंट पे जाके और क्लियर क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेना, और फिर उसके बाद अपने जो कार है इसको 7 दबाना, और यहाँ से मतलब जो हमारे जो टायर है और जो बॉडी है, मतलब 5 ऑब्जेक्ट, ये तो 4 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टायर को मिला के 4 ऑब्जेक्ट, और ये बॉडी है उसको 5, तो 5 बनाने। अभी तुम्हारे बहुत सारे यहाँ पे डोर भी अलग है, ये सब सब अपने सेपरेट अलग अलग है, ठीक है। तो अभी हम अपने टायर को जो है अलग अलग कर लेते हैं, मैं अभी टॉप पे आता हूँ और इसको ऐसा करके सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हाइट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर इसको यहाँ से ऐसे करूँगा, और इसको हाइट, इसको ऐसे सेलेक्ट, इसको हाइट, देन इसको सेलेक्ट, हाइट 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 तो जहाँ पे अभी तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ हाइड हो चुका है, एक बार देख कर लेता हूँ। और अब ठीक है, ठीक है। तो अब जो है मैं 7 दबा के टॉप पे आता हूँ, और अपने इस टायर को ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, और मेन किसी को भी हम ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल के साथ जे कर दूंगा मैं, तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट हमारा जो जॉइंट हो गया, ठीक है। और ऐसे एक को सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से ऐसे पूरे शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर देंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। एक को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ ऐसे पूरे को सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल के साथ जे कर देंगे, ठीक है। इसको करने के बाद हमें आता हूँ मैं 3 पे, 3 दबा के साइड व्यू में, और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और इसका ओरिजिन चेक करूँगा कि ये कार के जो टायर के हैं इसके बीचों बीच है, ताकि ये रोटेट हो तो अपने उसके हिसाब से हो। तो मैं 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, वाई को हम लाइन को हम ध्यान में रखेंगे, टायर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। तो अभी ये जो है टायर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ओरिजिन जो है वो पूरा सेट है, ये भी मुझे लगता है सेट ही है पूरा, ठीक है।
और Ctrl 3 कहता हूँ मैं, इस वाले टायर को सेलेक्ट करता हूँ और RX में कहता हूँ, तो ये जो है ये भी ठीक है, इसको लूँगा RX। मतलब ये कार काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत बढ़िया बनाई गई है, बढ़िया है ये, ठीक है। ये करूँगा मैं, और यहाँ से पेरेंट बाइक क्लियर कीप ट्रांसफॉर्म कर दूँगा, ठीक है। RX ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको लूँगा और इसको कर दूंगा, एक सेकेंड, टायर तो है, अटैच कर देता हूँ मैं, सबको ले आता हूँ बाहर, ठीक है। और इसको लूँगा टायर को, स्विफ्ट के साथ इस टायर को लूँगा और इसको, और लास्ट में इसको इसको कर देता हूँ मैं हाइट। ए प्रेस करूँगा, कार की एक बॉडी सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और कंट्रोल के साथ जे कर दूंगा, ठीक है। और जे करने बाद में बस कार की बॉडी सेलेक्ट करूँगा, एक बार ऐसे ही क्लिक करूँगा, सारे डॉट्स हट जाएंगे। कंट्रोल के साथ आई प्रेस करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब अल्ट एच करूँगा, टायर भी आ जाएंगे हमारे। तो अब जो है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक व्हील, दो व्हील, तीन व्हील, चौथी व्हील और वो बॉडी, ठीक है। तो ये हमारी सिर्फ बॉडी है और ये हमारा जो है ये टायर है, ठीक है। 3 पे आऊँगा मैं, और अभी जो है अपनी कार मैं इस तरफ रखता हूँ हमेशा, ऐसी मेरी आदत है, R Z 180, क्योंकि जो हमारा जो आर्मेचर जो मतलब जो वो आती है कार का जो रिग होता, बोन्स आते हैं, वो इस साइड से आगे के होते हैं, उस साइड से पीछे के होते हैं, तो इसलिए कार को भी इधर ही कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो कुछ होगा नहीं, हम रोटेट भी कर सकते हैं एडिट में जाके, बट क्यों झमेले में जाना है, अपनी कार को ही मूव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे ये करूँगा मैं, और अभी तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है ना, हमारा कर्सर ना मेन थ्री उसी पे रहना चाहिए, मतलब वर्ल्ड ओरिजिन पे, और शिफ्ट ए करके यहाँ पे हमें आर्मेचर में जाना और अपनी जो कार का जो वो है वो ले लेना, ठीक है। और अब इसके बाद हमें जो आगे वाले जो दोनों बोन है ये टायर के आगे इसमें लगेंगे, और जो ये पीछे वाले ये इसमें लगेंगे, और जो बीच वाला जो ये बोन है गाड़ी के इसके बीच में लगेगा, ठीक है। तो मैं टायर को सेलेक्ट करूंगा, और इसका ओरिजिन तो हमारे पास वैसे सेट है, इसका भी हम कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लेते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है ये देखिए बीच में आ चुका है, ठीक है। अब ये टायर को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस करके कर्सर को ना मैं टायर के इस ओरिजिन के बीचों बीच ले आऊँगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 प्रेस करूँ, अब मैं बोन को सेलेक्ट करूँगा और टैप प्रेस करूँगा, एडिट मोड में आ गया, मैं इस वाली बोन को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस करके सेलेक्ट टू कर्सर, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा टायर के बीचों बीच जहाँ पे ओरिजिन था। सबसे आसान तरीका है, टैप से बाहर गया मैं, ठीक है। इसको टायर कैसे लिया और शिफ्ट एस करके कर्सर टू हो गया, और फिर इसको बोन को सेलेक्ट करके टैप मोड पे इस पर करके सेलेक्ट करके सेलेक्ट टू कर्सर कर दूँगा, और टैप से बाहर चल जाऊँगा, फिर इस टायर को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस करके कर्सर टू सेलेक्ट कर दूँगा, इस बोन को सेलेक्ट करूँगा, टैप करके इस वाली बोन को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस कर सेलेक्ट टू कर्सर कर दूँगा, ठीक है। टैप से फिर बाहर आ जाऊँगा और स्टाइल टायर कर लूँगा, शिफ्ट एस करके सेलेक्ट टू कर्सर ले लूँगा, और इस बोन को सेलेक्ट करके टैप प्रेस करके इस वाले बोन को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस सेलेक्ट टू कर्सर, ठीक है। अब टैप प्रेस करूँगा, बॉडी को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस करके कर्सर टू सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इस वाली बोन को लिया मैंने, टैप प्रेस करा, अल्ट एच करूँगा, और एक सेकंड में इसको व्यू पोर्ट डिस्प्ले ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले इन फ्रंट, ठीक है। इस वाली बोन को सेलेक्ट कर शिफ्ट एस सेलेक्ट टू कर्सर और टैप प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और अब जो है मेन काम, लास्ट काम हमारा जो है वो पेरेंट करने का है, पेरेंट के बिना फिर आर्मेचर भी कुछ काम नहीं करेगा। तो हम टायर को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद बोन को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ टैप प्रेस करेंगे, जिससे हम पॉज मोड में चले जाएंगे। बाकी आप यहाँ से मैनुअल भी जा सकते हैं, पिछली बार हम एडिट मोड में जा रहे थे, आप पॉज मोड में जाएंगे पेरेंट करने के लिए। तो इस वाले टायर को सेलेक्ट करके मैंने इस बोन को सेलेक्ट करा, और फिर उसके बाद कंट्रोल टैप के साथ मैं पॉज मोड में आ गया। तो अब मैंने टायर को सेलेक्ट करा और बोन को सेलेक्ट करा, कंट्रोल पी करके मैं यहाँ पे बोन से पेरेंट कर दूंगा मैं, और इसको सेलेक्ट करूँगा और आर करूँगा, तो ये देखिए हमारे ना इस तरीके से जैसा अभी है ये बोन हो चुका है, मैं उसको मूव कर रहा हूँ, टायर भी अपना मूव रहा है। कंट्रोल टैप के साथ मैं फिर से बाहर जाऊँगा और जॉब मोड में आ जाऊँगा, इस टायर को सेलेक्ट करूँगा और इस बोन को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टैप के साथ करूँगा और इस वाली बोन को सेलेक्ट करें कंट्रोल पी बाय बोन कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल टैप से फिर बाहर जाऊँगा और फिर उसके बाद टायर वाले वाला सेलेक्ट करूँगा, और किसी बोन को सेलेक्ट लिया और फिर कंट्रोल टैप के साथ आया और इस वाले बोन को सेलेक्ट करा और ये ब्लू हो गया, कंट्रोल पी के साथ बोन कर दिया, ठीक है। कंट्रोल टैप से मैं फिर बाहर आ गया, फिर उसके बाद इस वाले टायर को सेलेक्ट करा और शिफ्ट के साथ इस वाले बोन को सेलेक्ट करा, कंट्रोल टैप्स करके मैं पॉज मोड में आ गया, फिर उसके बाद इस वाले बोन को मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल पी के साथ मैं फिर बोन से प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल टैप से मैं फिर बाहर चले जाता हूँ, बॉडी को सेलेक्ट करूंगा और पी इस वाले शिफ्ट के साथ इस बोन को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टैप के साथ मैं पोज मोड में आ जाऊंगा, इस वाले बोन को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल पी करके मैं बोन पे सेलेक्ट करके इसको बोन से प्रिंट कर दूंगा, कंट्रोल टैप से फिर मैं बाहर चले जाऊंगा। अब जो है ये देखिए मैं जी करूंगा, ये देखिए पूरा कार जो है पेरेंट हो चुकी है, ठीक है। ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए करके मैं ऑल ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इस बोन को सेलेक्ट करूंगा, एन प्रेस करूंगा और रिक कार में आऊंगा,
रेगा कार और जनरेट करूँगा मैं, ठीक है। तो जो हमारी कार है ये सक्सेसफुल हो चुकी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैं वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, मैंने बना रखा है इतने सारे ट्यूटोरियल, ठीक है। तो कार जो हमारी परफेक्टली हो चुकी है, हम इसका एम्प्रेसर ऑफ करते हैं। अब जो मेन बात आती है, जो जिस पर हमारा ट्यूटोरियल है उस पर हम दिखाएंगे, ये जो हमारे जो टायर है ये सॉरी जो हमारा डोर है वो हमारा खुलना चाहिए यार, खुलना चाहिए। मतलब अब एनिमेट तो हो गया, कार आ रही है, ठीक है, बढ़िया हो रहा है। और कुछ मेरे को एक कमेंट आया था कि उसमें जो है मेरे को कार को एनिमेट करना है, उसके डोर ओपन करने, ब्रेक जो है उसको प्रेस करना है, तो वो सब एनिमेट कैसे होगा? तो मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ ये ट्यूटोरियल, उनके उनके कहने पर। अगर आपको भी कुछ ऐसा कुछ अपने से रिलेटेड जो भी आपको हो ब्लेंडर में करवाना, तो आप मेरे को मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर कुछ भी ना होगा तो मैं पूरा पूरा ट्यूटोरियल बना के आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं ये वाला ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल है एक तरह से, ये मान लीजिए। तो आप भी कुछ आपको ब्लेंडर में बनवाना तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपकी ब्लेंडर में तो आप मेरे को मैसेज करके दीजिए, मैं आपको वीडियो कॉल पर पूरा परफेक्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद आपकी जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, अगर इंफॉर्मेटिव लगेगी तो भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ और ब्लेंडर को ब्लेंडर में कुछ ना कुछ सिखाता ही हूँ। तो ठीक है, तो आप मेरे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो अभी जो है हमारे जो कार है ये तो ऐसे कंट्रोल टैप करके यहाँ पे मैं एंड प्रेस करके ये व्हील वाला ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जी करूँगा वाई करूँगा, मतलब कार जो है वो पूरी एनिमेट हो रही है, ठीक है। अब जो हमें ना मेन है ना इस पर करना है, इस पर काम करना है। तो अभी जो है हमें डोर खोलना है, तो अभी हम डोर ऐसे कैसे खोल देंगे यार? टैप मोड में जाएंगे, इसको खोल लेंगे तो फिर बाहर निकल जाएंगे, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं टैप से बाहर आता हूँ, और एक चीज़ मैं बता बताता हूँ, जिससे आपको जो डोर है वो ओपन हो सक जाएगा, या फिर डिग्गी है ये भी ओपन हो जाएगी, या फिर आगे का बोनेट है ये भी ओपन हो जाएगा, शीशे डाउन करने शीशे डाउन हो जाएंगे। तो इसको आपको करने के लिए सिंपल अपने यहाँ पे ये जो आपको ये वाला थ्री डॉट्स वाला दिखाई दे रहा है, तो इसमें आना है, और आपको यहाँ पे दो कॉलम दिखाई देते हैं, एक तो वर्टिसेस ग्रुप ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे आता है नीचे शेप्स की। तो आप शेप की पे एक प्लस का आइकन आ रहा है यहाँ पे, तो इस आइकन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बेसिस करके नाम से एक ओपन हो जाएगा। फिर हम एक बार इसको देन अगेन एक बार और प्रेस करेंगे तो की वन आ जाएगा, ठीक है। और की वन पे आने के बाद हमारे पे इसको सिलेक्ट करके रखना और टैब मोड में चले जाना है, और टैब मोड पे आने के बाद अपना जो ये कार है, कार का जो मैं सिंपल ये जो डोर है मैं इस पे यहाँ पे मतलब तो मैं फेस मोड पे आया हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा ऐसे अजीब सा ना लगे, अब ठीक लग रहा है मेरे को देखने में, ठीक है। और आप जो है इस जो बोर्ड ये जो कार का ये जो डोर है इस पे हम ऐसे कर्सर को रखेंगे और कीबोर्ड में एल प्रेस करेंगे, तो ये जो है हमारे ये पूरा ऐसे करके सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे एल प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा, इसको एल, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मतलब जितना भी हमारे जो कार जो हम खोलते वक्त जितना भी पार्ट्स हमारे जो मूव होंगे खोलते वक्त डोर का, वो सारा हमको सेलेक्ट कर लेना है ताकि वो एक बारी में एनिमेट हो जाए, ये नहीं कि एक पार्ट बाद में आ रहा है तो एक पार्ट बाद में आ रहा है, तो ऐसे नहीं। मतलब जितना हमारा डोर है मतलब उन सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, और उसके बाद अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ सबको। और एक बात और ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को करते हो कि आपका ना मतलब एक भी एज ना मतलब रह ना जाए, तो उस चीज़ को मतलब कैसे वेरिफिकेशन करें या फिर एक तरह से मतलब देखें कैसे कि वो हुआ है कि प्रॉपर नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को भी मैं आपको जैसे अपने खुद में करूँगा, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, वैसे मुझे पता था इन सब से हो जाता है। तो मैं अभी आपको मतलब ये वाला भी एनिमेट मैं पहली बार कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि हाँ ये हो जाएगा इस चीज़ से, क्योंकि ब्लेंडर में आपको अगर नॉलेज है तो आप मतलब हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको मॉडिफायर के बारे में पता चलना चाहिए, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए ब्लेंडर के अंदर, तभी जाके होता है। ये देखिए ये चीज़ ना अलग है, मुझे लगता है नहीं ये ठीक है, इतना तो डोर खुलता ही है। हाँ ये सीट का खुलता है क्या? ये नहीं आता है डोर में, ठीक है। तो ये हमें डिसलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल जेड सेट करूँगा, कहाँ गया, इस चीज़ को हमें सिलेक्ट नहीं करना है, और इसको मैं करके एल प्रेस करूँगा, ऐसे सिलेक्ट करूँगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर रख के इसको एल प्रेस करूँगा, और जितना भी कार का जो है यहाँ पे जितना भी डोर में आता है
इन सब को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर को ऐसा सिलेक्ट कर लिया, इसको ऐसा सिलेक्ट कर लिया, इसको ऐसा सिलेक्ट कर लिया, और कहाँ तक जाएगा, ये यहीं तक आएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ तो हमारा जहाँ पे हम पैर रखते हैं वो चीज़ है, तो ये चीज़ तो ओपन नहीं होगी, बाकी ये ओपन होगी, ठीक है। और उसके बाद और क्या क्या आ सकते हैं, ये हमारा डोर है, डोर भी हमारा मूव होता है, जब हमारा डोर खुलता है, ये मिरर का पूरा, ये मिरर ग्लास पूरा खुलता है, तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे सारे जो फेसेस हैं ये सब सिलेक्ट हो जाए अच्छे से, ये चीज़ नहीं आती, ये चीज़ नहीं खुलेगी। ये देखिए ये चीज़ रह रही थी, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ हमारी सिलेक्ट हुई है, क्या नहीं हुई है, तो आप धीरे धीरे करते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा। ऐसे पूरा सिलेक्ट करना है, तो ये चीज़ है कि मतलब आपको पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कोई भी चीज़ ना रह ना जाए। पर मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो आप वन टाइम में ना किसी भी चीज़ को ना प्रॉपर नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, अगर वो चीज़ बड़ी है तो। ऐसे मैं अल्ट जेड प्रेस करा, मैंने एक्सरे मोड ऑन करा, और शिफ्ट के साथ मैंने इनसे सेलेक्ट करा, तो मेरे बटन वटन सब सिलेक्ट हो जाएंगे। बट आप इसमें ना पूरा ऐसे, मतलब पूरा, मतलब ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एल प्रेस करने से ना ज़्यादा बेहतर, मतलब इनसे ऐसा सिलेक्ट करने से एल प्रेस करने में ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो ना पूरा एकदम फेस जितना भी होता है ना सेपरेट, उनको सिलेक्ट कर लेता है एल प्रेस। तो आप, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि एल करके ही आप पूरा जो है ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा। मतलब वैसे अगर हम मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे ना, तो ऐसे ऐसे ड्रॉ करके सिलेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एडजस्ट रह जाएगा, और एल प्रेस करेंगे तो हमारा प्रॉपर सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेरे को और दिखाई दे रही है, अभी बहुत पार्ट्स होंगे, मुझे पता है कि मतलब जो जो सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो अभी पता, अभी वो भी हम पता करेंगे कौन कौन सा नहीं हो रहा। तो अभी देखिए कितना ज़्यादा अभी अभी दिखाई देगा, मैं जी करता हूँ और एक्स की तरफ खींचता हूँ इसको, हो गया क्या, नहीं। ये देखिए यहाँ पे ना एक तो ये चीज़ रह रही है, ये मिरर के शायद नीचे का है, ठीक है, और एक लाइन है यहाँ पे रह रही है गोल, ये मिरर के जो इंडिकेटर वाला जो लाइट है उसका बाउंड्री है ये, ठीक है। और यहाँ पे दो ये चीज़ रह रही है ये, ठीक है, और यही चीज़ है, और बाकी तो एक यहाँ पे है थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल जेड कर लेते हैं, और बाकी इधर भी है। अल्ट जेड ऑन करता हूँ मैं, और शिफ्ट के साथ ऐसा करके पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए वहाँ पे कुछ ऐसा था, मैं इस साइड आऊँगा और शिफ्ट के साथ ऐसा करके सेलेक्ट कर लूँगा, ध्यान रहे कि ज़्यादा ना हो जाए, उधर का सेलेक्ट ना हो जाए। सी प्रेस करूँगा मैं और ऐसे करके कुछ सिलेक्ट करूँगा, अभी भी देखते हैं, अल्ट जेड ऑफ करता हूँ मैं, जी करके एक्स करके बाहर करते हैं। तो अभी जो रह रहा है हमारा ये वाली लाइन रह रही है, ठीक है, ये पूरी लाइन रह रही है, ये जा रही है जो, और एक यहाँ पे जा रही है, ये शायद बाहर नहीं, वो तो कुछ नहीं है, ये चीज़ रह रही है बस हमारी बात, फिर उसके बाद तो हो जाएगा हमारा, ये चीज़ रह रही है। मैं तो ये फटाफट ये कर लेता हूँ, मैं आता हूँ, अल्ट जेड ऑन करता हूँ, अल्ट जेड ऑफ, कहाँ हो भाई, ये यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रखा, मैंने एल प्रेस करा, ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है, जी करके एक्स की तरफ बाहर करते हैं। ओह शिट, ये कैसे सिलेक्ट हो गया, इसको तो सिलेक्ट ही नहीं करना था, इसको हम डिसलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं,
सी प्रेस करूँगा मैं, और माउस में जो स्क्रॉलिंग बटन है इसको मैं बीच से पकड़ता हूँ और ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ। सी करूँगा, ऐसे स्क्रॉल अप करूँगा और बड़ा कर दूँगा। अब बीच वाला बटन दबा के वही स्क्रॉलिंग वाला ऐसे करके मैं डी सेलेक्ट करता हूँ। बी प्रेस करूँगा और शिफ्ट के साथ ऐसे करके सिलेक्ट डी सेलेक्ट बी करूँगा शिफ्ट। तो अब मैं इसको पूरों को ऐसे बी प्रेस करता हूँ और शिफ्ट के साथ ऐसे डी सेलेक्ट कर लेता हूँ और एडजेड ऑफ। अब बी प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ ऐसे डी सेलेक्ट बी प्रेस और शिफ्ट के साथ ऐसे डी सेलेक्ट बी प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ डी सेलेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। एक बार बस इसको ऐसे करने की दिक्कत है, फिर उसके बाद तो एनिमेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है कि मतलब शुरुआत अच्छे से होगी, बढ़िया से, मतलब टाइम तो लगता ही है बट उसके बाद हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी एक चीज़ और रह रही थी, मैंने शायद इधर देखी थी, जी करके एक्स करता हूँ ना, यहाँ पे है ये चीज़, एक तो ये वाली लाइन और एक ये। ठीक है, यहाँ के अल्ट जेड ऑन करता हूँ, कुछ ऐसे बॉक्स टाइप में है। GX, ये रहा शिफ्ट के साथ ऐसे इसको सिलेक्ट। ठीक है, और एक यहाँ पर आ रहा था, जी करूँगा एक्स करूँगा, यहाँ है ये कंट्रोल जेड। ठीक है, यहाँ रह के ये देखिए ये दिखाई दे रहा है मेरे को, मैं इस डॉट पे रखूँगा और यहाँ पे एल प्रेस करूँगा, पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये जहाँ तक मेरा ख्याल है हो चुका है, मैं टॉप पे आता हूँ, जी करूँगा एक्स करूँगा, तो ये चीज़ है जो है हमारी पूरी अलग हो चुकी है। ठीक है, और अब जो है मैं इसको एनिमे, एक सेकेंड, एक ये लाइन ये भी रह रही है, इसको टिक कर लेते हम, बस ये रह जाएगी। और ये जो काले काली दिखाई दे रही है हमें, ये चीज़ यहाँ पे डॉट पे रखूँगा मैं और एल प्रेस करूँगा, ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब जो है अब मैं नहीं देखूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि हो चुका है मुझे पता है। मैं टॉप पे आता हूँ और इसको जो है आर करके रोटेट करता हूँ कुछ इतना। ठीक है, और अब इसको मैं जी करके जितना हमारे जो कार का यहाँ पे जो खोलने के वक्त गैप बनता है उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। जी करा मैंने और वाई की वैल्यू में इसको और आगे ले जाता हूँ। ठीक है, जी करूँगा एक्स करूँगा बाहर की तरफ, टॉप पे आऊँगा मैं और इसको सही से रखूँगा, जी करके कुछ यहाँ। ठीक है, इतना हो गया। नीचे हमें जेड के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रॉपर इस पर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं जो है टैब से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो डोर है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब जो है हमें इस कार को सिलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ पे जो हमें ये जो हमारा की 1 था, ठीक है, इस पे आना है और इसका जो वैल्यू है
ये हम जितना बढ़ाएंगे उतना ये डोर है ये खुलता चले जाएगा, और जैसे ही हमारा 1 पे जाएगा तो हमने जितना टैब मोड पे जितना हमने उसको मूव किया था उतना ये हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे लूँगा और इसको जी करके वाई करता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो अभी तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे की फ्रेम ऑन करता हूँ, मैं ये की वाला ऑन करूँ और जी प्रेस कर एक बार छोड़ दूँ तो यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा ऑटोमेटिक। और 150 पे आता हूँ मैं और जी करके वाई के डायरेक्शन में मैं इसको ऐसा बढ़ाता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रोल टैब से मैं पॉज मोड से बाहर चले जाता हूँ, 1 पे आता हूँ, ठीक है। इस कार को सिलेक्ट करूँगा मैं और इसकी जो वैल्यू है इसको मैं 0 कर दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊँगा और उसके बाद मैं इसको क्या कहते हैं 20 पे आता हूँ, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद की फ्रेम ऑटो है तो अपने आप लग गई, ठीक। अब शिफ्ट डी करूँगा मैं इसको यहाँ रखूँगा और शिफ्ट डी करूँगा और इसको फिर यहाँ रखूँगा, शिफ्ट डी करूँगा फिर इसको मैं यहाँ रखूँगा। अब थोड़ा सा हम जाते हैं सॉलिड मोड में थोड़ा सा ऐसे देखने के लिए ताकि थोड़ी फाइल हैवी ना हो दिखाई देने सही से। 0 पे आता हूँ मैं। अभी जो हमारा डोर है वो बंद है, और जैसे जैसे हम अपने की फ्रेम 20 पे पहुँचेंगे ये जो डोर है खुलता चले जाएगा। मतलब इसकी एनिमेशन आप कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जिस की फ्रेम पे आपको डोर बंद रखना है वहाँ पे आप डोर को 0 0 वैल्यू रखिएगा, और जैसे ही आपको खोलना हो तो वहाँ पे 1 कीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे ये गाड़ी बढ़ती है फिर ये बंद हो जाता है डोर, फिर उसके बाद ये जैसे ही खुलती है फिर उसके बाद ये जो है डोर खुल जाता है ये 40 से 60 पे। फिर दोबारा वैल्यू जो है इसकी इंक्रीज़ होगी, अभी ये देखिए ये 700 764 पे पहुंच गई है। और मैं इसको और बढ़ाता हूँ और अपने अब प्रपोज करता हूँ तो 9 983 पे पहुंच गई है। तो जैसे ही अभी ये 60 पे आएगी ये देखिए ये पूरा 1 पे आ चुकी है, 60 59 पे है वो की फ्रेम, ठीक है। और अब ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, मतलब जिस तरीके से हम की फ्रेम का एनिमेशन करेंगे उस तरीके से जाएगा। तो ये देखिए आप किस तरीके से मतलब कार को हमने रिग भी कर दिया और जो अपना जो डोर है वो प्रॉपर खोपन और बंद भी हो रहा है। मतलब जैसे कार आई फिर उसके बाद चली तो हमने की फ्रेम इसका, फिर जैसे रुकेगी फिर उसके बाद की फ्रेम लगा के हम उसका डोर ओपन कर देंगे, फिर आदमी आएगा बैठ जाएगा फिर उसके बाद वो डोर वहाँ पे फिर की फ्रेम हम 0 कर देंगे उसके बाद टाइम लाइन पर लगा के सेट करके। तो वो चीज़ है कि मतलब ऐसे करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए मतलब किस तरीके से जो हमारा जो है कार है ये हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस डोर को भी कर सकते हैं और इस डिग्गी को भी कर सकते हैं और इस कार के आगे के बोनेट को भी कर सकते हैं, स्टेयरिंग व्हील को आप घुमा सकते हैं। आप क्या करना सेलेक्ट करना और रोटेट कर देना, ठीक है। वैसे आप वैल्यू उसकी बढ़ा देना इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। इसको 10 टाइम बार घुमाइए तो वैसे तो दो या ढाई बार घूमता है, वैसे आप 3 बार घुमा दीजिएगा वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना बार वो घूमता चले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वैसे तो टायर तो हमारा एनिमेट है रिग की मदद से, और जो हमारा डोर है ये भी ओपन हो रहा है हमारा कि मतलब इसको ऐसे करने पे, ठीक है। इस डोर के भी हम ऐसे कर सकते हैं, इस डोर के भी एनिमेट करते देखते हैं, और जो अपना है मतलब एक एक पार्ट को हम एनिमेट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको अभी डोर करके दिखाया है। उस तरीके से आप जो है अपनी पूरी कार को कर सकते हैं, आप जहाँ तक कि इसका पेट्रोल का ये जो ढक्कन है इसको भी कर सकते हैं, और अपना जो ये चीज़ है इसको भी आप खींच के वैसे एनिमेट कर सकते हैं, की फ्रेम लगा सकते हैं, इस वाले शीशे को भी खोल सकते हैं हम, इस वाले शीशे को भी खोल सकते हैं ऐसे जैसे अभी मैंने किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने कार का एनिमेट कर सकते हैं प्रॉपर। एक बार आपको मतलब पूरी कार को आपने सेट कर लिया तो वो आपकी लाइफ टाइम चलेगी, मतलब आप किसी भी एनिमेट में आपका एनिमेशन में आप उस कार को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने कार को फुल टू फुल एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया ताकि वो ब्लेंडर सीख सके। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के इंस्टॉलमेंट, तब तक के लिए बाय बाय।